डेवलपमेंट प्लान का काम हरसूल में शुरू हो चुका है। काफी सालों से लोगों को इंतजार था, इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई। देखिए, हरसूल का रोड दूरीकरण चौड़ा होना चाहिए, ये सबसे पहले गाँव वालों की मांग थी, लेकिन इसके बदले में मुबदला गाँव वालों को पैसा मिलना चाहिए। हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष है अवतले साहब और जो मंदिर की कमेटी है, मस्जिद कमेटी का मैं सदर हो जाऊँ, मस्जिद कमेटी का मेरी जो कमेटी है, हमने सबने और यहाँ के जो नेतागण है, जो भी है, भाजप के लोग है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, हमने सबने तय किया कि भाई इसमें विरोध नहीं करना है। अच्छे काम में लोगों को जो नोटिस दिए, इसमें किसी को 50 लाख रुपए का आया है, किसी को 20 लाख आया है, किसी को 10 लाख आया है। अभी हस्तु गांव में एसडीएम साहब, बरांडे साहब कुछ मौजूद है और इनकी टीम मौजूद है। इन्होंने अभी खुद हमारे सामने मंदिर के जो हमारे अध्यक्ष है, इनको आश्वासन दिया तुम्हें डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट जमा करो कलेक्टर ऑफिस में, आपके नाम पे 4 से 5 दिन में पैसे आएंगे। अगर ये आश्वासन पे खरे नहीं उतरे तो गांव की तरफ से बड़ा मोर्चा हरसूल गांव की ओर से निकाला जाएगा। लेकिन आज जो सबसे पहले मैं हरसूल के जो कमेटी है, मंदिर कमेटी अध्यक्ष मेंबर, इनको मैं मतलब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने गांव को सहकार्य किया और जो डेवलप हो रहा है इसको भी सहकार्य किया। और पूरे हरसूल गांव का मैं जितने भी हमारे धारक है, जिसके घर जा रहे हैं रोड में, बात पैसे की नहीं है, इनको 1 करोड़ के 10 करोड़ भी मिले ये समाधान नहीं है, लेकिन इनके मकान जा रहे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये निर्णय लिया और तोड़ने का विरोध नहीं किया, सब खाली किया और सब रात में ही पूरा गांव, पूरे घर इन्होंने खाली किए और आज तोड़ने का काम हो रहा है और अच्छे से अच्छा हरसूल में विकास हो रहा है। कल आपने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि आप पहले हमको कब्रिस्तान की जगह मिलेंगे उसके बाद ही हम तोड़ने देंगे, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमने कल चेतावनी इसलिए दी थी, गाँव का तो विरोध नहीं है गाँव तोड़ने में, लेकिन कब्रिस्तान की जो जगह है, इस इलाके में मुस्लिम समाज ज्यादा तादाद में मौजूद है। अब दफन विधि का मसला है, 2 एकड़ कब्रिस्तान है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हमारे को कि हम पहले तुमको कब्रिस्तान को जगह देंगे, जब भी हम कब्रिस्तान को हाथ लगाएंगे। ऐसा आज तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है? नहीं, ये गांव का तोड़ रहे, घर तोड़ रहे हैं, जहाँ विरोध नहीं है, जहाँ पे विरोध नहीं तोड़ रहे हैं। अभी बरांडे साहब यही बोले, अभी मैंने इनसे बात किया, ये बोले जब तक जगह कब्रिस्तान को देंगे नहीं। और देखिए, कब्रिस्तान हो के मस्जिद हो या मंदिर हो, गाँव में विरोध नहीं है ना। आप मंदिर को पेमेंट दिए, मतलब अभी कैश नहीं हुए, मस्जिद को भी पेमेंट दिए कैश नहीं हुए, तो गाँव वाले विरोध नहीं कर रहे हैं ना तोड़ने के वास्ते। गाँव वाले कारवाई करता है, भूसंपादन वगैरह केलेलं आहे आणि त्यांना भूसंपादन
करना है, पैसे सुद्धा आम्ही देणार आहोत आणि ते ताबडतोब देणार आहोत। शासनाकडून 14 कोटी रुपये आलेले आहेत, त्या माध्यमातून आम्ही आहे भूसंपादन करून रस्त्यावरचं जे अतिक्रमण आहे ते काढत आहोत। हर्सुल गावामधला जो बॉटल नेक होता, आता हा बॉटल नेक क्लिअर होऊन जाईल आणि त्याच्यामुळं तिथं जे नेहमी वारंवार तासनतास ट्रॅफिक जाम व्हायची, ती ट्रॅफिक जाम होणार नाही आणि हा रोड सर आपली खूप मोठा होईल। सर किती मालमत्ता याच्यामध्ये, किती मालमत्ता बाधित झालेली आहे आणि किती मालमत्ता? पूर्ण टीम आहे याच्यामध्ये आणि साधारणतः मालमत्ताच्या 50 ते 60 मालमत्ता अंदाजे याच्यामध्ये आहे आणि पूर्ण महानगरपालिकेची टीम आहे, त्याच्यानंतर तहसीलदारची टीम आहे, एडीची टीम आहे आणि कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग यांची सुद्धा टीम आहे। त्यासोबत सविता सोनोने पदनिर्मितीचे अधिकारी, तसेच धुळे पदनिर्मितीचे अधिकारी, आमचे इमारत निरीक्षक गवळी व आमची पूर्ण टीम, आमचे DCP, आमचे PI, आमचे पोलीस संपूर्ण इथे या कार्यवाहीसाठी आलेले आहेत आणि ही कारवाई निश्चितपणे आज चालू शकतो। झाल्यानंतर आपल्याला एक कळेल। धन्यवाद। इथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची टीमची आवश्यकता नाही, सेपरेट सेपरेट ज्यांची ज्यांची टीम आहे त्या त्या पद्धतीने कॉर्डिनेट करून काम करत आहे। धन्यवाद।